एज और बहुत ही उम्दा कैच। और दोनों बैट्समैन डबल फिगर में आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान अच्छी फॉर्म में हैं, हाल ही में ये T20 टूर्नामेंट यही नॉर्थ में ही खेल कर गए थे और इस बार कॉट बिहाइंड आउट करार दिए गए। अंपायर ने हाँ में हाँ मिलाई और जमान खान ने पहली कामयाबी हासिल की, उनकी ये पहली नेशनल T20 करियर विकेट। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जमान खान की जानिब से, पहली बॉल से अटैक कर रहे थे और बिस्मिल्लाह बीट हुए। हल्का सा वे स्विंग देखने को मिला, कुछ खास हीट मूवमेंट नजर नहीं आई जिसका नुकसान उठाना पड़ा बिस्मिल्लाह को। ऊंचा शॉट, टॉप एज लगा है और आसान कैच, कीपर के लिए आसान रहेगा क्योंकि उनके पास वो ग्लव्स हैं। और एक और कामयाबी हासिल हुई, इसके साथ ही बलूचिस्तान की आधी टीम जो है वो वापस चली गई। पेस पे बीट हो गया आज तस्वर, हारिस रऊफ ने आते ही अपना काम कर दिया। कोई मौका नहीं दे रहा नॉर्दर्न के थोड़ा सा भी स्कोरिंग हो सके, पेस से बीट हुए, आउटसाइड ऑफ स्टंप से पुल करना चाह रहे थे और टॉप एज हुआ और एक और कैच रोहेल के हाथों में और आते ही उन्होंने इंपैक्ट बनाया जो कि एक्सपेक्टेड है हारिस रऊफ से। थोड़ा सा रिदम हासिल करने में टाइम लगता है, बैटिंग स्ट्रगल करती है, दो माइंड्स में नजर आए। आयाज पुल करना चाहते थे पर ऐसा महसूस हुआ कि अबॉर्ट करना की कोशिश की इस शॉट में से, लेकिन आ गए थे ऐसी पोजीशन में बल्ला नहीं हटा पाए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि बॉल राइज कर रहा है लास्ट मोमेंट तक और फिर उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया, लेकिन तब तक एज लग चुका था। इस बार आउटसाइड एज, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, हारिस रऊफ आए और विकेट ले गए। जी हाँ, इसीलिए इनको लाया गया था क्योंकि 23 रन पड़ गए थे पहले दो ओवर में और स्कोर भी कम है डिफेंड करने के, तो हारिस रऊफ को विकेट लेने के लिए लाया गया। स्पीड है उनके पास और रन भी बड़े कम बनाए हैं ऑपोजिशन ने, तो उन्होंने वो काम किया जिसके लिए उनके कप्तान उनको लाए, स्पीड। वरना जैसे आप कह रहे थे कि वो पावर प्ले के बाद आते हैं, लेकिन ये अच्छा मूव था। या ईशान मसूद चार रन बना सके एक विकेट पर 26 और ये थैंक यू वेरी मच। कोई चांस नहीं था किसी भी बैट्समैन के लिए वापस जाने का, बाहर निकल के जब कमिट कर लिया कि बड़ा शॉट लगाना है तो फिर लगाना है। और वही बात थी कि इस ओवर के 6 रन हो गए थे, क्या जरूरत थी कि नहीं, बॉल जरा लो भी रहा, जरा देखें इसको। जी हाँ, लो रहा और बिल्कुल रीड भी नहीं किया और बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं था, आगे आ रहे थे और बस शॉट लगाना चाहते थे और विकेट गंवाना चाहते थे। 43-25 गेंदों पर 72-4। That is very, very clever indeed. That is a wonderful delivery. That is a real gift the way that he bowls that. Very clever indeed. He's got a bit of a smile on his face as well. Picked up an important wicket. Could have been one in the previous over. It could have been that one straight away as well. It's that almost a carambola release. He sort of turns or sort of straightens for the left-hander. Imadu Seam gets another one. Northern are still in this game. With a bit of dew. That's a very good delivery at this time and a wicket. That's important. That's going to slow the run down. And Musa Khan, 140 kilometers per hour with this one. A bouncer to Khushdil Shah when he was looking good. Musa Khan surprised him with more pace and bounce. Just the perfect line, perfect height as well. Couldn't get it away on the leg side like he tried. Straight up and the keeper did the rest and the celebrations began. So that's an important wicket. Just when he was looking to go. Kushdil goes for 20 off 22. 130 for 4. He's going to continue too. That's in the air. Should be taken. The last ball. And it is taken. So that is the end. Smiles from the captain eventually. He was getting concerned. There's no doubt about it at one stage. He didn't want to bring the spin on just in case. Ali Imran had to absorb some pressure and he did a really good job. But Northern get up by 14 runs and that's a really good victory against KP. Gone. Gone by about 2.5 feet in the end. Looking to advance down the track. Of course, that's what can often happen when a batsman's got to get after the bowling straight away. When you're chasing down a big total, missed it by a mile and out by a mile.
missed the line completely. But Rohail Nazir didn't miss. Good glove work. He had no clue where he was going. Just a blind shot by Zishan Ashraf. He was doing so well. But now all he can do is take a walk back. Scoring 16, Southern Punjab is 17 for the loss of one. Out. Catch. Bahut hi body se dur loose shot tha. Bada zor se inhone attempt kiya tha square cut. Aur Salman Irshad jo hain bade skiddy baller hain. Pace inke paas to hai hi. Aur ye nuksan uthana pada. Jahan cut karne ke liye gaye inka favorite shot hai. Pichle over mein ek chauka lagaya tha. Yahi stroke khel kar. Lekin is baar gain zyada fine gayi. Thick edge. Aur wicketkeeper ne bahut hi umda catch liya. Oh, outside edge. Achha catch liya Rohail Nazir ne. Wicketen gir rahi hain. Fahim Ashraf gaye. Is over mein ek aur kamyabi hasil ki naujawan Jamal ne apne debut par. Achha catch liya Rohail ne. Dip ho raha tha ball un par. Phir se slower ball kaam kar gaya. Kyunki pata hai batsman badi hit ke liye jana chahta hai. To kyun na pace hata di jaye ball pe se. Aur do dafa aisa hua hai is over mein ke batsman chook gaye. पहले शोएब मलिक और अब फहीम अशरफ आउट होके वापस 185 पे पांच. There's an appeal for a stumping and Rohail Nazir thinks he's got him. It all happened almost in slow motion. But if this is stump, this is pretty lazy batting. That looks all fine. It's just a little push on the offside. Just playing. Oh, he's got out and he'll stay out. This is not good batting at all. Brilliant glove work by Rohail. He was very fast. Gave no chance to Nabi. Just dragged back into the crease. It was nicely tossed up. And there's a confirmation. He's gone. Edge aur bahut hi umda catch. Rohail Nazir ne finally kamyabi dilwa di. Ye is catch ko aap definitely kahenge kisi semi final ke match ka catch hai ye. Yahan gend pe pace bilkul nahi thi. Rohail Nazir se ye dur ja rahi thi aur zahir hai ke angle bhi mushkil tha. Kamran Ghulam cut karne ke liye gaye. Wicket keeper aam taur par is tarah ke angle se late react karta hai. Apne daaye jaane mushkil hota hai गेंद को तक पहुंचना, लेकिन विकेट मिली किसी हद तक सुख का सांस भी उमर अमीन को. कल के सेंचुरी मेकर कामरान ने आज बनाए 35, 106 पर 4.